बस भाई, बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक सिंह, भारी काफिले के साथ चल रहे हैं, उन पर आचार संहिता लागू नहीं होता। भैया, उनकी सरकार है और मैं आप ही से अनुरोध करूंगा कि एक दिन वीडियो बना करके हमारे जिले के कप्तान साहब को, निर्वाचन अधिकारियों को एक बार दिखा दीजिए, शायद उनको मालूम ना हो, जानकारी में ना हो, क्योंकि हम लोग तो 3 गाड़ी की अनुमति है, 3 गाड़ी चलते हैं, अगर कोई चौथा पीछे गलती से लगा भी ले तो उसकी तो गाड़ी सीज कर दी जाती है। तो यहाँ तो 20-20, 22-22, 50-50 गाड़ी, एक दिन तो 200 गाड़ी लेके घूम रहे थे। तो जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों से अपने बहुबल का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि जनता को डरा दें, मगर मऊ की जनता डरने वालों में से नहीं है। ये तो वीरों और शहीदों की धरती है, यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। 25 साल से बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, एक बार फिर आए हैं, ये भी चले जाएंगे शौक पूरा करके। तो आपके ऊपर भी आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था? हाँ, हमारे ऊपर आचार संहिता का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आप सोचिए वो मुकदमा मेरे ऊपर किस डेट को दर्ज हुआ है। लिखा है उसमें कि मैं बिना परमिशन की गाड़ी लेके घूम रहा था। जब तक, उस समय तक आरओ साहब ने एक भी परमिशन किसी को दी ही नहीं थी। जब तक मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा, मैं प्रत्याशी नहीं बनूंगा, मैं परमिशन किस बात की मांगूं? मगर उसके बाद भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो भैया, हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, और पिछले 3 वर्षों में तो इतने मुकदमे लग गए हैं कि अब ये समझ में आ गया है कि सत्ता के दबाव में अगर प्रशासन भी मुकदमे लगाने लगेगा तो क्या करा जाए। मगर जनता की आवाज़ हूँ और जनता अपनी आवाज़ को बंद नहीं होने देगी, रुकने नहीं देगी। लगातार आपकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है मामला। भैया ये है, मगर क्या किया जाए, हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। 1000 बार मेरी गाड़ी चेक करें, मगर एक बार तो अशोक सिंह जी की कर दें, एक बार तो कर दें, 1000 बार मेरी करें। हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आता हो। हम तो जनता से हाथ जोड़कर मिलते हैं, जनता मेरे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देती है। कितनी बार गाड़ी अब तक चेक की गई? भैया गिनती नहीं कर सकते, 10-12 बार तो रोज होती है। हमारी छोड़िए, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता बेचारे सेक्टर अध्यक्ष मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उनको रोक के चेक कर देते हैं। बहाना एक से एक है कि आपने पैंट में अपने बेल्ट नहीं लगाई, इस बात पे भी चालान हो जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, कहीं पिताजी से उनकी दुश्मनी चलती इसलिए तो नहीं किया जाए? देखिए, दुश्मनी कोई किसी से क्या करेगा, सत्ता जाने का डर है तो सोच रहे हैं कि कुछ दबा करके, डरा करके कार्यकर्ताओं को कुछ फायदा हो जाएगा, मगर होने वाला कुछ नहीं है। ये लाल रंग की ट्रेन है, लखनऊ की तरफ चल दी है। कितनी मुकदमा अब तक दर्ज हुआ? लखनऊ की तरफ चल दी है तो इसको किसी के रोके से रुकेगी थोड़ी, ये तो पहुंच जाएगी अपनी जगह पर। कितनी बार मुकदमा दर्ज हुआ होगा इधर? भैया ये भी नहीं जानकारी दे पाऊंगा, आप मेरा नॉमिनेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए। इधर चुनाव आचार संहिता का मुकदमा ये भी नहीं याद है, उस दिन भी हमको नहीं पता चला था, हमसे बताया थोड़ी था उन्होंने मुकदमा। हमने पूछा भी था कि कोई दिक्कत है, आपत्ति? नहीं, बस हम लोग ऐसे ही देखने आए हैं। और उसके बाद अगले दिन जाके FIR दर्ज कर दिया, किसी ने बताया हमको, क्योंकि नॉमिनेशन करना था तो किसी ने बता दिया। अगर नहीं पता होता तो कह देते कि देखो इन्होंने एक FIR छुपाई। तो यहाँ तो FIR लिख के छुपाते हैं ताकि बाद में उसके ऊपर कार्रवाई करके ये दिखाएं, कह रहे इनके ऊपर तो इतने दिन पुरानी FIR। क्या कहेंगे इस पे जिला प्रशासन, एक तरफा कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं जिला प्रशासन को ये कहूंगा कि बहुत दबाव में, सत्ता सरकार का दबाव है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 3 ही सीट तो चर्चा में है, एक करहल, एक जहूराबाद और एक मऊ। अब इन 3 सीटों पर तो बहुत कुछ होगा, अभी तो 7 तारीख तक तो बहुत कुछ होगा, कितने कार्यकर्ता के साथ क्या क्या होगा ये तो देखिए। मगर जिन जिन के साथ जुल्म होगा, जनता उसका जवाब और गुस्से में देगी। और जब जनता गुस्से में वोट डालने निकलती है ना, तो वो लोग भी वोट डाल देते हैं पक्ष में जो कभी विपक्ष में रहे हैं। कहते हैं कि माफिया का इस बार खदेड़ा होगा अशोक सिंह, वो तो रहा है कल अशोक सिंह।